आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर पंकज राठौर, ये एमपी से हैं। नहीं, ये सिर्फ दर्द रहता है मुझे, दर्द रहता है। हाँ, कमर का दर्द आपको 10 साल से बता रहे हो? हाँ, वो 10 साल से मुझे दर्द। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लिजरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर पंकज राठौर, ये एमपी से हैं और इनको कमर का दर्द था लगभग 10 साल से, और अब जो दर्द है इनके दोनों पैरों के अंदर आ चुका है। 10 साल से जब इनको दर्द था तब इन्होंने कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन किसी भी चीज़ की नहीं ली थी। फार्मर बाई ऑक्यूपेशन है तो मेहनत का काम इन्हें करना पड़ता है, और पिछले 2 महीने से दोनों पैरों के अंदर इनको दर्द आ चुका है और अकड़न है इनको। 2 बार ये एपिडोरल इंजेक्शन ले चुके हैं, आई थिंक बता रहे 10 से 15 दिन आराम था उसके बाद। हाँ, 10-15 दिन आराम था मुझे। तो क्या क्या कंडीशन है अभी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं अभी? सर, मुझे पूरी पीछे जो बैक है पूरा दर्द रहता है, और पीछे साइड यहाँ से होकर पूरे यहाँ तक दर्द रहता है मुझे। दर्द रहता है और पीछे पीछे पीठ में यहाँ पर भी दर्द रहता है, और पूरी जकड़न रहता है पीछे पीठ में, पूरी अकड़न जकड़न रहती है। ठीक है, और चलने फिरने में क्या दिक्कतें होती हैं? चलने में मुझे दिक्कत सर 10 या 15 मिनट में, मतलब 10-15 मिनट में चलता हूँ, उसके बाद फिर चल नहीं पाता हूँ। चल नहीं पाते, फिर दर्द बढ़ने लगता है मुझे, दर्द बढ़ने लग जाता है। पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन कुछ ऐसा लगता है? नहीं, झंझनाहट, सुनपन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दर्द रहता है मुझे, दर्द रहता है। हाँ, कमर का दर्द आपको 10 साल से बता रहे हो? हाँ, वो 10 साल से मुझे दर्द। और पैरों में? पैरों में ये 2-2.5 महीने बस अभी पैरों में जो दर्द आने लगा है। और कमर में आपने कहा कि 2 बार में इंजेक्शन लगवा चुका हूँ? हाँ, कमर में मुझे 1 बार इंजेक्शन लगा है, 2 इंजेक्शन लगे थे मुझे, एक बार दो इंजेक्शन एक बार मिले तो इनको, इन्होंने एपिडोरल इंजेक्शन ले रखा है। तो उसके बाद से कितने दिन आपको रिलीफ रहा? सिर्फ 10 या 15 दिन रिलीफ रहा, मतलब जब तक मेडिसिन चली तब तक मुझे रिलीफ रहा, उसके बाद वापस फिर दर्द बढ़ने लगा। सेम कंडीशन पे आगे? हाँ, फिर वही दर्द बढ़ गया। ठीक है, एक बार लेट। सो आई हैव एग्जामिनिंग थोरोली इनकी स्पाइन में टेंडरनेस है पूरी, L4, L5, L5, S1, बाइलेटरल सैक्रोइलियक जॉइंट्स के ऊपर टेंडरनेस है। नाउ वी विल चेक हिज SLRT। सर, इसको उठाइए एक बार में, अगर जहाँ खिंचाव लगने लगे वहाँ रुक जाना, यहाँ पे। सो लेफ्ट साइड SLRT इज 50, इसको उठाइए जहाँ खिंचाव लगने लगे वहाँ पर, ये भी ऑलमोस्ट 50 के आसपास। हाँ, है अब खिंचाव बढ़ रहा है इससे आगे? हाँ, बढ़ रहा है। अगर मैं ऊपर करता हूँ दर्द बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। 60 पे आते दर्द बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब टाइट है? ये सब टाइट लगती है? नहीं, अभी टाइट नहीं है, अभी टाइट नहीं है। तो बायलेटरल SLRT इज 50 एंड इनको टेंडरनेस है दोनों साइड के अंदर, इनको L4, L5, L5, S1 डिस्क प्रोलैप्स है। नाउ वी आर गोइंग फॉर DSCB बीटा 1-2-3 बायलेटरल। सो वी हैव गिवन DSCB बीटा 1-2-3, मैं टाउ ब्लॉक्स लगाऊंगा इनके अंदर एंड देन वी विल सी द रिजल्ट्स आफ्टर 30 मिनट्स, क्या रिलैक्सेशन नजर आ रही है, SLRT में कुछ 10-15-20 डिग्री का इंप्रूवमेंट है, क्या इनकी थाइज के अंदर जो रिलैक्स फील हो रहा है क्या इनको। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पेशेंट जो मिस्टर पंकज राठौर है MP से, मैंने इनको DSCB बीटा 1-2-3 बायलेटर लगाया था, साथ में टाउ ब्लॉक्स। इनका SLRT आप देखते हैं प्रीवियस, उसके अंदर तो 50 के आसपास SLRT आता है। लेट्स चेक कि पोस्ट इंजेक्शन आधे घंटे में कितना SLRT में इंप्रूवमेंट आई है। पहले इनसे पूछते हैं, कुछ रिलैक्सेशन लग रही है आपको? पैरों में जो खिंचाव था वो रिलैक्स लग रहा है? रिलैक्सेशन। कमर में रिलैक्सेशन लग रही है? हाँ। ठीक है, अब राइट वाले लेफ्ट वाले पैर को उठा दीजिए आराम से, इधर ऊपर ले जाए जहाँ खिंचाव लगने लगे वहाँ रुकना, बस यहाँ। हाँ, बस नहीं, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है, यही 80 से भी ऊपर आ गया था। अब चेक कर सकते, पहले SLRT बस 50, पहले कितना आ रहा था, अब SLRT इंप्रूव आ गया। उस वाले को उठाइए, पूरा ऊपर ले जाओ, वेरी गुड। यहाँ पे खिंचाव शुरू हो रहा है? हाँ। हल्का है, बहुत ज्यादा है? हाँ, बस यहाँ पर थोड़ा सा दर्द हो रहा है, दर्द होना स्टार्ट, यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हुआ। तो इट्स ऑलमोस्ट 85-90, यानी कि जो SLRT पहले 50 पे था वो SLRT 80 पे भी अगर मान लेते हैं, हालांकि 80 से भी ऊपर जा रहा है तब जाके दर्द शुरू हुआ, तो 80 तक आ रहा है, यानी कि SLRT हैज इंप्रूव फ्रॉम 50-80। 30 डिग्री SLRT इंप्रूवमेंट हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर किसी का SLRT 10-20 डिग्री भी इंप्रूव हो जाता है तो मतलब पेशेंट विल इंप्रूव, पेशेंट का सुधार होना ही होना है। कई बार ये डिलेड होता है, लेकिन आगे में चल के भी जिन जिन पेशेंटों में थोड़ा कम आता है वो इट विल इंप्रूव। ये सब रिलैक्स लग रही है आपको पैरों में? अब करवट लेके उठ जाइए, क्योंकि इनको कमर में काफी दर्द था, तो इस पर देखते हैं कि कैसे क्या कंडीशन है। हमने टाउ ब्लॉक्स भी इनको लगाए हैं, अभी कमर कैसी लग रही है इंजेक्शन से पहले वाली चीज को याद करिए, और अभी रिलैक्स रिलैक्स से पहले से बेटर फील हो रहा है?
ठीक है, एक बार घूम के देखो। यस रिलैक्स, थोड़ा और घूम के आ सकते हो, एक बार यहाँ पे थोड़ा चक्कर काट के आइए। सीधा घूमते समय रिलैक्स लग रही है, हाँ हिंद, कोई दिक्कत? पहले से नहीं, बेटर? हाँ हिंद, पहले से बेटर, ठीक है। हाँ जी, सो कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा कि एमपी से हाँ आए थे गुड़गांव पटौदी में आए हैं दिखाने के लिए, ये कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो हाँ कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, विश्वास लग रहा बिल्कुल, है। चलो वेरी गुड। सो एमपी से हमारे पास आए थे और मुझे, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये काफी हद तक अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे और ये नॉर्मल लाइफस्टाइल अपनी लीड कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से डीएससी भी एक मैजिक करता है। इन्होंने 10 साल से परेशान थे, पैरों में दर्द इनको 2 महीने से आने लग गया था, एपिडोरल इंजेक्शन भी लगा चुके थे और उसके बावजूद भी सेम सिचुएशन इनकी आ चुकी थी। हमने डीएससी भी इंजेक्शन बीटा 1 2 3 लगाया, एसएलआरटी हैज इंप्रूव इमीडिएटली। एसएलआरटी जो 50 पे आ रहा था वो इमीडिएटली इंप्रूव होके 80 पे चला गया और पेशेंट कमर में भी रिलैक्सेशन फील कर रहा है आफ्टर टाउ ब्लॉक्स। सो दिस इज द मैजिक ऑफ डीएससी भी इंजेक्शन, स्पेशली इन केस ऑफ प्रोलैप्स इंटरवर्टेबल डिस्क, स्पाइन प्रॉब्लम, शियाटिका प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, ऐसी कोई भी समस्या आपको आपके जानने वालों में है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी एमआरआई, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारे से ले सकते हैं और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।